नमस्कार, मी मनीषा जयप्रकाश। आपण पाहत आहात लोकसंदेश न्यूज। पाहूया आजच्या सविस्तर घडामोडी। महाराष्ट्र के बहुत से जिलों में सैलाब की शक्ल है और बहुत से जिले ऐसे हैं कि जिसके अंदर सूखा पड़ा हुआ है। उसमें कोकण के कुछ जिले और पश्चिम महाराष्ट्र में सांगली और कोल्हापुर, इसके अंदर बहुत भयानक सैलाब जिसका कभी हमने अंदाज़ा नहीं किए थे, ऐसी सूरत हाल, ऐसी सिचुएशन बनी थी। एनजीओज, संगठनाएं और जमीयत उलमा महाराष्ट्र, जमीयत उलमा ज़िला सांगली, जमीयत उलमा ज़िला कोल्हापुर और बहुत से एनजीओज, मदारिस, ये सब इसके अंदर काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब दोनों ज़िलों के अंदर सैलाब की शक्ल है, इंसान और जानवर कसम पुरसी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं आज सुबह से मीरज, सांगली और सांगली ज़िले के बहुत से तालुकों के दौरे पर था। ये सूरत हाल है कि सरकार की तरफ से जितना काम होना चाहिए था उस अंदाज का काम अभी सामने नहीं आ रहा। हमारी वजीर आला महाराष्ट्र से पुरजोर अपील है कि एक तरफ मरने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ सैलाब के मुतासिरीन हैं और तीसरी तरफ वो लोग हैं कि जो अभी भी पानी सैलाब के इलाके में परेशान हैं। इस कठिन परिस्थिति में इसको इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए जो कोशिश, जो चीज़ें होना चाहिए थी वो अब तक के नहीं हो रही है। बहुत सी चीज़ें हो भी रही हैं लेकिन इसके मुकाबले के लिए जहाँ सरकार को अपना काम करना चाहिए, मैं एनजीओ से ये अपील करूँगा कि वो खुल के मैदान में आए और अपना दीनी मिल्ली फरीजा समझे कि इस परेशानी और इस कठिन वक्त में इन सब लोगों के साथ खड़े होकर इनको इस परिस्थिति से बाहर निकालना। दूसरी पोजीशन ये है कि महाराष्ट्र के 18 अजला में सूखा था और 250 तहसील के अंदर सूखा था। अभी मैं सुबह दौरा करते हुए आ रहा था, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पर चारा छावनियां लगी हुई हैं। तो ये एक दो सिचुएशन अलग अलग हैं, लेकिन ये कोल्हापुर और सांगली की सिचुएशन बहुत कठिन है। अभी पंचनामे शुरू नहीं हुए हैं, अभी सरकार की तरफ से 5,000 रुपये नकद और 10,000 रुपये अकाउंट पे सिटी में, और ग्रामीण भाग में 5,000 रुपये नकद और 5,000 रुपये अकाउंट पे आ रहे हैं। कुछ जगह ये सिचुएशन सामने आई, लेकिन इसके साथ साथ वो लोग जिनके घर तबाह बर्बाद हुए, वो लोग जिनकी पूरी प्रॉपर्टी निस नाबूद हुई, वो व्यापारी जिनका सारे कारोबार सत्रोल हुए, सरकार ने स्पेशल स्कीम बनाकर इनको खड़ा करने की योजना तैयार करना। सरकार से अपील है।